मिर्जापुर से है। नर के जीवन जीने को विवश अंतराम पट्टी के निवासी। जी हाँ, अंतराम पट्टी से जहाँ ग्रामीणों ने जलमग्न एवं कीचड़ युक्त रास्ते को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, बताया कि ग्राम प्रधान के द्वारा सार्वजनिक खड़ंजे को उखाड़ कर ईंट को निजी कार्य में उपयोग कर लिया एवं रास्ते को ऐसे ही कीचड़ युक्त छोड़ दिया गया। कुछ दिनों पहले ही ग्रामीणों ने एकत्रित होकर मुख्य विकास अधिकारी को पत्रक से जांच की मांग की थी, लेकिन जांच तो दूर, मामला अभी तक सिफर नहीं रहा है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जिस रास्ते का उपयोग करते हैं उसकी दीन दशा को देखते हुए ग्रामीणों ने सक्षम अधिकारियों को पत्रक सौंप कर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आज ही अंतराम पट्टी के निवासी उसी नर के जीवन में जीने को विवश हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों से मांग की है कि जल्द ही कोई कार्रवाई न की गई तो ग्रामीण आंदोलन को बाध्य होंगे। इस मौके पर राजेश उपाध्याय, प्रेमचंद उपाध्याय, मंगला बराबर, अध्याय रामपाल, अजय, दशरथ, छोटेलाल आदि उपस्थित रहे। पर मिर्जापुर से अभय त्रिपाठी की रिपोर्ट। सही जाते हैं और कैसे जाएंगे? एकदम हम लोहार बस्ती, सब कौन है, बस्ती सूची जनजात वाले, आठ दस घर है, लेकिन हम लोग को कोई पवन कुमार उपाध्याय, ग्राम अनंतराम पट्टी। क्या समस्याएं हैं? काफ़ी ग्रामीण यहाँ इकट्ठा। अरे भैया, यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। मनरेगा के तहत कार्य कराने के लिए कहे थे, 8 महीने से पुराना ईंटा सब उपाड़ लिए। पहले इस पे खरंजा लगा हुआ था? पहले इस पे खरंजा लगा हुआ था। अच्छा, पहले इस पे खरंजा लगा हुआ था करीब 150 मीटर, पूरा खरंजा उखाड़ ले गए, कहीं इसमें इंटरलॉकिंग कराएंगे। अब 9 महीना 10 महीना हो गया, आज तक इंटरलॉकिंग का पैसा पेमेंट हो चुका है। अच्छा, ईंट अपने निजी कार में ले गए? अपने निजी कार में ले गए, और कहाँ ले जाएंगे? कहीं उसके बदले पर कहीं रास्ता तो बनाए नहीं। अच्छा, इस संबंध में आप लोगों ने कहीं जो है एप्लीकेशन वगैरह? हाँ, DM महोदय को दिए हैं, CDO साहब को दिए हैं। कुछ कार्रवाई हुई अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं, कोई यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी हम लोग डाले हैं। अच्छा, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस ग्राम सभा में कौन कौन सी समस्याएं हैं? अरे बहुत सारे समस्या है, लेट्रिन बना है, पेमेंट पूरे बस्ती के कई रास्ते सब खराब हैं, सब डिस्टर्ब हैं, कहीं कोई कुछ नहीं काम हुआ है, न सफाई कर्मियों का पता, उनसे वहाँ माहवारी लेके जो है सब काम अपना निपटा। मकान का टोटल पूरा हो कि हमारे ये ग्राम अंतराम पट्टी में कोई विकास इधर का कुछ भी नहीं है। बारिश होती है तो यहाँ पे लोगों को आने जाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हर गरीबों को जो भी घर मिला है, जिसका आने वाले था, आ चुका था, सब अधूरे हैं, वो भी सब कट चुका है, सारे आवास भी अधूरे हैं। हाँ, आवास अधूरे हैं। और हमारे भाई साहब रामकृष्ण मिश्रा जो उनको भी हम लोग पूरे फैमिली से, हमारे पास घर नहीं है, कब घर गिर जाए, माटी का है, वो भी दीवार में पट्टी लगा के पट्टियाँ खड़ी की हैं, आप देख सकते हैं। चलते सही संबंध में जो आप बता रहे हैं समस्याएं, हाँ। कुछ कभी ग्राम प्रधान से संबंध में आप लोगों ने कहा? हाँ, सब कहा, कोई सुनवाई नहीं। घर गिरने के बाद में भी बोला हूँ तो बोले ठीक होगा, DM के पास भी मैंने पूरा फोटो कागज हर चीज चला गया है, घर मेरा आया हुआ आने वाला था, पहला नाम क्या पूरे ग्राम जो है कि इधर इस बस्ती के लोग सारे लोग इसी रास्ते इसी रास्ते जाते हैं, बस्ती का मेन रास्ता यही है।